नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। आज अगर हम ओवरऑल हमारे मार्केट के सेटअप की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने एक साइडवेज एक्टिविटी देखी मंगलवार के दिन। इम्पॉर्टेंट लेवल्स 21,950 के छूने के बावजूद मार्केट में जो रिवर्सल एक्टिविटी थी वो काफ़ी स्लगिश थी। 22,075 के लेवल्स निफ्टी ने क्रॉस करने में काफ़ी समय लगा दिया और इसी वजह से हमने टूवर्ड्स दी एंड एक वापस सेल ऑफ देखा। हावेवर 21,950 आज के लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इन लेवल्स के नीचे हम एक ग्रेजुअल वीकनेस टूवर्ड्स 21,880 देख सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट ने 21,880 के भी लेवल्स को तोड़ दिया तो फिर हम ग्रेजुअली 21,800 या 700 के भी लेवल्स आने वाले कुछ दिनों में देख सकते हैं। तो 21,880 अभी मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के बेसिस पे वर्क करेगा। साथ ही साथ अबाउट 22,075 हम बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो निफ्टी को एक बार 22,150 से लेकर 22,200 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। बैंक निफ्टी यहाँ पे भी हमने कुछ कमजोरी देखी। 46,500, 46,400 ये बैंक निफ्टी के लिए एक ट्रेडिंग जोन है और ये पर्टिकुलर सपोर्ट जोन में हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में कुछ रिवर्सल एक्टिविटी बन सकती है। अगर 46,400 के लेवल्स के नीचे अगर बैंक निफ्टी काम करता है तो फिर हम ग्रेजुअल वीकनेस टूवर्ड्स 46,000 देख सकते हैं। बट अगर कोई भी रिवर्सल फॉर्मेशन बना तो हमें लगता है वहाँ पे कुछ तेज़ी की पोजीशन बनाई जा सकती है। टारगेट्स रहेंगे 47,000 के, और 47,000 के ऊपर हमें लगता है कि अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में आ सकती है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है कि आईटी स्टॉक्स में वीकनेस रहेगा। कैपिटल गुड्स, इंफ्रा एज वेल एज कंस्ट्रक्शन कंपनीज में अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है। और अगर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक बीएफएसआई पे स्टॉक बीएफएसआई के स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखना है तो हमें लगता है कि हमें पीएसयू बैंक्स के ऊपर फोकस करना काफ़ी ज़रूरी होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।